हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे कि देखा, आज की रेसिपी आपके साथ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आलू शिमला मिर्ची सब्जी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सब्जी बनाने के लिए दो मीडियम साइज की शिमला मिर्ची ली है और मैंने ये 500 ग्राम आलू लिए हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया है दोनों चीज़ों को। और मैंने फ्रेंड्स ग्रेवी के लिए टमाटर लिए हैं, ये छोटे छोटे साइज के मैंने 5 टमाटर लिए हैं। 3 मैंने फ्रेंड्स ये मीडियम साइज की प्याज ली है, इसको हम कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने प्याज को कट कर लिया है छोटा छोटा साइज में, जैसे कि आपने देखा है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, टमाटर को भी ऐसे कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने टमाटर को भी छोटा छोटा स्लाइसेस में कट कर लिया है, अब हम इनको रख देंगे साइड में। आलू और शिमला मिर्ची को भी कट कर लेंगे। आलू को हम ऐसे छोटा छोटा स्लाइसेस में कट करेंगे, आप अपने मनपसंद शेप में भी कट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने दोनों चीज़ों को भी कट कर लिया है और मैंने शिमला मिर्ची को ऐसे स्लाइसेस में कट किया है, आप अपने मनपसंद शेप में कट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने सभी चीज़ों को कट कर लिया है, बनाना शुरू करते हैं हम सब्जी को। सो फ्रेंड्स, मैंने एक पैन ले लिया है और मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के ऑयल ले लूँगी। ऑयल को हम गर्म होने देंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो गया है, मैं इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दूंगी। जीरे को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब हमें इस स्टेज पे इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना है, इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हल्की सी गोल्डन फ्राई हो जाए तो इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आलू को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। अच्छा सा हम आलूओं को भी कलर आ जाने देंगे, इनको भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इनको भूनेंगे लगभग 10 मिनट्स के लिए। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, अच्छे से हमारे आलू में फ्लेवर आ जाएगा और अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, ये आलू का कलर पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो गया है और अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें इस स्टेज पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, आप इसको ज़्यादा से ही यूज़ कीजिएगा। अच्छी तरह से अदरक लहसुन को भी हम भून लेंगे। अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से हमारा भुन चुका है, अब हमें इस स्टेज पे टमाटर ऐड कर देंगे। शिमला मिर्ची, शिमला मिर्ची हमें लास्ट में ही ऐड करनी है। अब इस स्टेज पे हम स्पाइसेस मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून में लाल मिर्ची पाउडर ऐड करूंगी, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबल स्पून मैंने भर के आमचूर पाउडर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, खट्टा मीठा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और साथ ही मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ करूँगी, मैगी मसाला एमैजिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाला है फ्रेंड्स इस सब्जी में, आप इसको ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है। सो फ्रेंड्स, मैंने पैकेट को ओपन कर लिया है और इससे सब्जी का स्वाद 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ज़रूरी है ये मैगी का मसाला, आप इसको यूज़ कीजिएगा। तो मैंने सभी मसाले को इसमें ऐड कर दिया है और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, लग रही है ना ये सब्जी यम्मी,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताइएगा किस किस की फेवरेट है ये सब्जी। और फ्रेंड्स, ये फॉर बिगनर्स के लिए तो बहुत ही यूजफुल रेसिपी है। ऐसी ही सिंपल सी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस बटन को जरूर से कर लीजिएगा। ऐसी ही टेस्टी सी डिलीशियस रेसिपीज मिलेंगी मेरे चैनल पर। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो पर ही रखना है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। सब्जी हमारी अच्छे से दम में ही बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा सभी चीज़ों का। चलिए तो हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। 5 मिनट बाद इसका फाइनल लुक देख सकते हो। और इस सब्जी को दम पे रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने से पहले हम इसको हरा धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर लेंगे। खूब सारा इसमें हरा धनिया पत्ती लिया है फ्रेंड्स, मैंने लगभग हाफ हैंड फुल हरा धनिया पत्ती ली है और इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। इस स्टेज पे आप इसको ज़रूर से यूज़ कीजिएगा हरा धनिया को। एक बार हम सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप इसका फाइनली लुक देख सकते हो। वाओ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब सब्जी की रेसिपी है। आप इसको कब ट्राई कर रहे हो? और फ्रेंड्स, कैसी बनी आपकी ये सब्जी की रेसिपी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। रेसिपीज़ पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब की सब्जी की रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगी। ऐसी ही टेस्टी सी रेसिपीज देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।